बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्युत के बढ़ते बिल और कोरोना काल के दौरान सरकार ने स्थगित किए बिजली के बिलों की वसूली पुनः करने के विरोध को लेकर एक प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली बिल माफ किए जाने की मांग रखी। वहीं कांग्रेसियों ने उग्र चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना काल के दौरान स्थगित किए गए बिल माफ नहीं किए गए तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। शहर में बढ़ती बिजली बिल और कोरोना काल के दौरान शासन के बिल की राशि को स्थगित की गई थी, लेकिन समाधान योजना चलाकर कुछ परसेंट काट कर फिर से वसूली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बिल की राशि जमा नहीं करने पर उनकी लाइट भी काटी जा रही है। बड़ी बात तो यह देखने में मिली कि वार्ड क्रमांक 15 की रहने वाली एक महिला ने विद्युत कर्मी पर आरोप लगाया है कि विद्युत कर्मियों ने उस महिला से कहा कि बिल जमा नहीं करने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। कौन से वार्ड नंबर से हो? रियाज, क्या मामला हुआ विद्युत मंडल के? महीने में हमने लाड को बिल लाओ तो उन्हें 44,000 दिया था, तो मैं 11,000 भरी आई और लाइन काट पे गई। मैंने कही तो क्या बिल भरो नहीं, हम गोली मार दी। कौन ने कहा था आपसे ये बात? अब मैं नाम तो नहीं जानती, दो सियाने हैं थे, एक मतलब बंदूक पारो तो और एक और है तो लाठ काट के मारो, कह रहे थे चढ़ तक हम मार। जिसने आपको ये धमकी दी थी उसके खिलाफ कोई शिकायत की आपने? नहीं की, अभी आज ही गई। कितने बजे की घटना है? 10 बजे। हाँ, 10:30 बजे की, 11 बजे। चलिए, आपको बिल भरने के लिए कितना समय दिया गया? कल अगले महीना तो भरे हैं साहब, तो ये 11,500 आपने जो 11,500 भरे, बाकी 181 पे शिकायत है, वो वापस ले। नहीं कही मुख्यमंत्री से मिलो, हम गए मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री हमें मिले ही नहीं है, बैठे बैठे भगे आए, शिमला हाउस गए थे। चलिए ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करेंगे। बस हम तो उनकी उन्हें घोषणा याद दिलाने कर रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल चला, पहली दूसरी और तीसरी लेयर, तो 2 साल के बिजली के बिल माफ कर दो, आपने ही कहा है। और 1 महीने से 2 साल के, किसी के 6 महीने के, किसी के 8 महीने के बिजली के बिल 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो माफ किए जाएं। दूसरी, हमारे नेता कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में हर उपभोक्ता को राहत दी थी, वो लागू की जाए और 100 यूनिट तक 100 रुपए के बिल आए। साथ में किसानों के लिए 5 और 10 हॉर्स पावर पे जो न्यूनतम दर पे कनेक्शन उपलब्ध थे वे बहाल की जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और आम जनता के साथ एक आंदोलन किया और SDM वासुदा को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया। कुछ समय पहले भी आपने कहा था कि किसी अधिकारी ने गोली मारने की धमकी दी है, क्या अधिकारी का नाम बता पाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 15 की एक बहन के पास आज सुबह विद्युत मंडल के लाइनमैन पहुंचे, उनके साथ वर्दी में एक बंदूकधारी सज्जन थे। उस बहन से उन्होंने कहा बिजली का बिल भर दो, नहीं तो हम लाइट भी काटेंगे और इसका भी उपयोग करेंगे, बंदूक का भी उपयोग करेंगे। तो ये किसके संकेत पर किया जा रहा है? क्या हिटलर का शासन है? क्या प्रजातंत्र खत्म हो चुका है और बंदूक का डर दिखा के आप लोगों से जबरिया वसूली करोगे? तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। सर, बिल माफ नहीं किए गए तो फिर अगला चरण क्या रहेगा आपका? निश्चित तौर पर हम फिर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी भी कोई कार्रवाई हुई है विद्युत मंडल द्वारा? विद्युत मंडल द्वारा आज लाइनें काटी गई हैं। अभी हम इधर के बाद उन सब लोगों से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनकी लाइटें जुड़े और जो बिल हैं वो उनको सही करके बिल भरवाएं। आम जनता बिल भरने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।